देख रहे हो बैकग्राउंड देख रहे हो? कहां पर हूं मैं, पहचानो? लिखा है आई एम बैक। कौन बोलता है सर? अरे हितेश भाई चले गए क्या? अरे अरे आइए। तो गाइस मैं हूँ हितेश भाई के स्टूडियो में और इनके साथ मैंने एक वीडियो शूट करा है, तो मैंने सोचा वीलॉग भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता तो चले कि मैं कैसे आया था। तो आई एम बैक बोलिए जरा सर। आई एम बैक। तो भाई का ये अंदाज काफी अलग है और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कहाँ पर कैसे शूट करते हैं, दिखा सकता हूँ? हाँ, यार कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो। ओके तो गाइस हितेश भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फोन पर ही शूट करते हैं और उनका फोन जो है कौन सा, सैमसंग का? सैमसंग का S7 है। तो S7 पे शूट करते हैं, क्वालिटी सैमसंग का कौन सा फोन है आपके पास? A5 2016। ओके तो अपग्रेड करने वाले आप उसको? नोट 8 ले लिया लेकिन इससे भी प्रॉपर काम चल रहा है, वीडियो तो फिलहाल से शूट हो रही है, नोट 8 ही है अपग्रेड, तो उसी से बाकी फॉलो कर रही है, फिलहाल वीडियो इसी से बन रही है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऊपर इन्होंने एक लाइट लगाई हुई है और यहाँ पर एक माइक आपको दिख सकता है, इस माइक में ऑडियो रिकॉर्ड होती है और वो वायर वहाँ पर गई है फोन में। मैं आपको दिखाता हूँ फोन, ये है। तो ट्राइपॉड पर फोन लगा देते हैं और इनका प्ले बटन आप लोग देख लो, इनका जो फैमिली की प्ले बटन जल्दी गोल्ड वाला आने वाला है, जल्दी से इनके 1 मिलियन करवा दो भाई लोग और मेरे 1 लाख करवा दो मेरे भी प्ले बटन है। तो गाइस मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेटअप टूर इनका दिखा देता हूँ, फिलहाल इन्होंने नहीं दिखाया काफ़ी, मतलब समझ जाओ काफ़ी ये क्या बोल सकते हैं इसको कि दुर्लभ वीडियो है। तो और ये जो पीछे इनकी जो पेंटिंग इन्होंने खुद बनाई हुई है, तो हितेश भाई एक आर्टिस्ट भी है, एक टीचर भी है, एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर जो मतलब मुझे यार पर्सनली पसंद है यार, मुझे क्या बोलूं। हितेश भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे व्लॉग में? आपके व्लॉग में मैं बोलना चाहूंगा कि मुंबई से आया दिल्ली, फिर यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने गांव के लिए गोरखपुर जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव में तो वहाँ पे आपके गोरखपुर में हम सबको पहले नमस्ते कहना, और ये सेटअप टूर एक्चुअली मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि इसमें प्रॉपर व्हाइट वॉश नहीं करा पाया था, तो दिखाने में थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फील आ रहा था। फिलहाल ये सेटअप जो है शिफ्ट हो रहा है, मैं दूसरी जगह ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, ऊपर यहाँ पे फ्लोर है तो उसमें मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मन से जो बन जाए ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज है, और लिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ लिमिटेड यूज करता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि मैं बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने हाँ, एक वीडियो में बताया था कि हाँ, फोन से ही एडिट करते हैं, फोन से ही शूट करते हैं, इनको DSLR की जरूरत नहीं है। जी जी जी, मैटर जो करता है वो कंटेंट मैटर, कंटेंट मैटर करता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे चुके हैं अपने वीडियो में दे चुके हैं कि यदि चाय अच्छी होगी ना तो वो कुल्लड़ में भी अच्छी लगेगी, केवल कागज के कप में भी दोगे तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर चाय ही बकवास बनेगी तो भैया सोने चांदी के कप भी दे देना तो भी कोई फायदा नहीं। बराबर, एक नंबर की बात बोले आपने, तो ऐसा ही है। तो दोस्तों यही है, और हितेश भाई काफी दिलदार आदमी है, मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं इनसे मिल चुका था एक बार मुंबई में, तो वहां पर हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम का अभाव था, और वहां पर पार्टी में हम लोग मिले थे तो पार्टी में कैसे शूट कर पाते, तो हितेश भाई ने अपना टाइम दिया मुझे, थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू सो मच। देख पाए वो दिखा दिया था? हाँ, फोन मैंने दिखा दिया था। और हितेश भाई एक राइटर भी है, पोएट भी है, राइटर भी है और यूट्यूबर भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, लियोनार्डो द विंची के छोटे भाई है। आपके जो जी राइटिंग के बारे में बता दो, जो भी लिखते हो। वैसे मैं थोड़ा बहुत बिगाड़ लेता हूँ, एक नॉवल लिखी है मैंने, इवन मैं शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है मैंने 2-3 सतीश, अब मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल, मेरी वेबसाइट है उसमें आपको एक मैंने भी शॉर्ट स्टोरी डाल रखी है, उस रात करके कुछ है, इवन मैं कुछ और शॉर्ट स्टोरीज पे भी काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना बताना बोलना, जो मैं बोलता हूँ वो भी की स्टोरी टाइप है, उनकी बुक्स वगैरह बिकती है फ्लिपकार्ट पे और आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, और मैंने उसके एपिसोड भी बना रखे अपने दूसरे चैनल पर जिसमें मैं नैरेट करता हूँ, तो उनका जो दूसरा चैनल है फ्रीकी देसी देसी करके, तो उसपे फनी चीजें बनाते, वैसे तो ये मेन चैनल भी बहुत ही फनी है, मजा आता है देखने में इनका जो भी कंटेंट होता है।
और अगर आप टेक वाली चीजों से बोर हो जाते हो तो इनका चैनल देखने में आपको बहुत मजा आता है। अरे नहीं, सारे चैनल देखो आप, क्योंकि सब्सक्राइब के तो पैसे लगते नहीं है, जहाँ से आपको ज्ञान मिले, जहाँ से आपको अच्छा लगे, सारे चैनल देखो। ऐसा नहीं ये देखना है ये नहीं देखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब्सक्राइब से आता है कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब। हाँ, सतीश जी के चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, उनकी फैमिली के हिस्से बन जाए आप, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और बनाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, उनको बोलेंगे तो और अच्छी मेहनत करेंगे। थैंक यू विनेश भाई, इतने मतलब प्यारे प्यारे सब जो हमने बोले मेरे बारे में। नहीं नहीं, लेकिन काफी अच्छा लगा और आपसे मिलके बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत आपने टाइम निकाले, तो थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा। तो फिलहाल दोस्तों यही था, मैं व्लॉग में ज्यादा बाहर का मैं शूट करता नहीं, और मैं ट्राई करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास अच्छा कैमरा वाला फोन नहीं है या फिर कैमरा नहीं है जो जिससे मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। फिलहाल यही था, आप लोग देख लो जो पीछे इनका जो सेटअप है अपने हितेश भाई का, तो काफी मेहनत करते हैं हितेश भाई, स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पे बच्चों को, फिर इसके बाद से वीडियो शूट करते हैं, अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। एंड वीक में 4 वीडियो देना बहुत मुश्किल काम होता है, और फटाफट उसको एडिट करो फिर। तो गाइस इतना ही वीडियो में, लाइक कर देना आप लोग, शेयर करना चाहो तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।